अब हरियाणा में भी बिना जमीन बिना मिट्टी के हवा में उगेंगे आलू, पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। मिट्टी में तो आलू उगते सभी ने देखे होंगे, लेकिन हरियाणा में अब हवा में आलू उगेंगे और पैदावार भी करीब 10 से 12 गुना ज्यादा होगी। हरियाणा में करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में इस तकनीक पर काम पूरा कर लिया है। अप्रैल 2020 तक किसानों के लिए बीज बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस तकनीक का नाम है एरोपोनिक। इसमें जमीन की मदद लिए बिना हवा में ही फसल उगाई जा सकती है। इसके तहत बड़े बड़े बॉक्स में आलू के पौधे को लटका दिया जाता है, जिसमें जरूरत के हिसाब से पानी और पोषक तत्व डाले जाते हैं। करनाल के शामगढ़ गांव में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बताया कि इस सेंटर का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ एक MOU हुआ है। इसके बाद भारत सरकार द्वारा एरोपोनिक तकनीक के प्रोजेक्ट को अनुमति मिल गई है। आलू का बीज उत्पादन करने के लिए आमतौर पर हम ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पैदावार काफी कम आती थी। एक पौधे से 5 छोटे आलू मिलते थे, जिन्हें किसान खेत में रोपित करता था। एरोपोनिक तकनीक से 12 गुना तक पैदावार बढ़ेगी। इसके बाद बिना मिट्टी के कॉकपिट में आलू का बीज उत्पादन शुरू किया गया। इसमें पैदावार करीब 2 गुना हो गई, लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एरोपोनिक तकनीक से आलू उत्पादन करेंगे, जिसमें बिना मिट्टी बिना जमीन के आलू पैदा होंगे। इसमें एक पौधा 40 से 60 छोटे आलू देगा, जिन्हें खेत में बीज के तौर पर रोपित किया जा सकेगा। इस तकनीक से करीब 10 से 12 गुना पैदावार बढ़ जाएगी। क्या है एरोपोनिक तकनीक? इस तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े प्लास्टिक और थर्माकोल के बॉक्स में आलू के माइक्रो प्लांट डाले जाते हैं। उन्हें समय समय पर पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिससे जड़ों का विकास हो जाता है। जड़ें बढ़ने लगती हैं तो उसमें आलू के छोटे छोटे ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं। इस तकनीक से पैदा हुए बीज में किसी तरह की बीमारी नहीं होती। सभी न्यूट्रिएंट आलू को दिए जाते हैं, इससे उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ज्यादा पैदावार होने से किसान को फायदा भी होता है। इस तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, आलू के बीज उत्पादन की अगर बात करें तो ये आलू का जो राशन उत्पादन उससे बिल्कुल अलग तरह का होता है। और जहाँ तक हम तकनीक की बात करते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि बागवानी विभाग हरियाणा सरकार भारत सरकार के सहयोग से ये प्रोजेक्ट लगाया गया। टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 6 करोड़ की थी, जिसमें से अगर सिर्फ एरोपोनिक की बात करें तो 2 करोड़ रुपये की लागत से ये ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो लगभग 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 2 को हमने एरोपोनिक में प्रोडक्शन यूनिट बनाया गया है और 1 को हार्डनिंग चैम्बर बनाया गया है। देखिए, ये तकनीक बिल्कुल नई है। पहले आपने सुना होगा ग्रीन हाउस की टेक्नोलॉजी आई थी भारत में, और हरियाणा सरकार बागवानी विभाग ने उसको 2010 में कमर्शलाइज किया था, जिसमें इंडो इजराइल प्रोजेक्ट एक था, उसमें काफ़ी सारे ग्रीन हाउस लगे। उसके बाद में फिर एक नई तकनीक आई जिसको सोयललेस कल्टीवेशन कहा गया, और अभी रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसको हाइड्रोपोनिक्स लोग कहते थे कि पानी में खेती करेंगे। उसके बाद में जो सबसे नई तकनीक है वो है कि हवा में बीज उत्पादन करना या सब्जियों का उत्पादन करना, उसको जनरली लोग एरोपोनिक टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि हवा में किस तरह से पैदा होंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर स्पेस है, तो इसके अंदर एक ऊपर प्लेटफॉर्म देंगे जो कि थर्मोकोल शीट का बना होता है, और इसी के अंदर प्लांट रहेंगे, और इनको जो खाद मिलेगा पानी मिलेगा वो सस्पेंडेड एयर में मिलेगा। मतलब जो हवा रहेगी उसी के अंदर आपका खाद रहेगा और उसी में नमी रहेगी, जो जड़ें हैं उसी में से ऑब्जर्व करेंगी, उससे पैदावार बढ़ेगी। तो अगर हरियाणा की बात करें तो देखिए, अभी तक हम लोग टॉप 10 में नहीं आते। अगर बात करें आलू उत्पादन के लिए तो हम 8वीं पोजीशन पे आते हैं आज हरियाणा में, और अगर पैदावार की बात करें तो 2% से भी कम भारत का आलू का उत्पादन हरियाणा में होता है, 1.68 है। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि आलू उत्पादन में हम बहुत कम हैं। अगर ऊपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी का उत्पादन होता है, जो 30% से भी ज़्यादा पूरे भारत का आलू का उत्पादन करता है। इसी तरह से आपका बंगाल है, वेस्ट बंगाल, जो कि लगभग अगर आप बात करें तो 26% पूरे भारत का आलू का उत्पादन हमें दे रहा है। लेकिन पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें, तो कई तरह की नई समस्याएँ आई, नेमेटोड की समस्या आई, सोयल बोर्न डिजीज़ की समस्या आई, और आलू के उत्पादन में जो सबसे बड़ा हर्डल था वो था उच्च गुणवत्ता का बीज का। सर, ये बिना मिट्टी के ये सारे का सारा सिस्टम आपने तैयार किया है, इसमें जो कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ेगी जान बराबर रहेगी, उसके साथ अगर बात की जाए तो किसानों को इससे क्या फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, किसान को अल्टीमेटली बीज से, खरीदारी से बीज के लेना देना होता है। अगर हम पैदावार की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा लगती है,
क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे है उसमें तो ज़मीन में उगाना पड़ता है, लेकिन अगर किसान के हिसाब से बात करें तो ये तकनीक सस्ती पड़ेगी। इसमें जो बीज का उत्पादन होता है एक पौधे से लगभग 60 ट्यूबर तक आते हैं, जो कि कन्वेंशनल में 5 या 6 ट्यूबर आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 गुना तक पैदावार बढ़ जाती है, जिससे बीज की जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो कम पड़ेगी। क्योंकि 12 गुना बढ़ने का मतलब जितना 12 एकड़ ज़मीन की रिक्वायरमेंट थी वो 1 एकड़ पे जितना हो गया। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो ज़मींदार के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि उनको ब्रीडर सीड है उसी के ऊपर फाउंडेशन बीज का उत्पादन की कॉस्ट लागत निकलती है उसी पर सर्टिफाइड की। तो किसान को जो बीज का जो रेट मिलेगा वो सस्ता बीज मिलेगा इस टेक्नोलॉजी के आने से। बीमारियों का भी काफ़ी कम रहेगा कि आजकल काफ़ी बीमारियाँ हर पेस्टिसाइड या फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक आपने बीमारी की बात की, ये मेरे ख्याल से बहुत अहम बात है, क्योंकि जो नेमेटोड नामक एक बीमारी थी, आपने देखा होगा पहले आलू का जो बीज उत्पादन होता सारा हिल स्टेशन पे होता था, और अब वहाँ पे सूत्रकृमि, जिसको नेमेटोड आम भाषा में ज़मींदार बोलते हैं, वो बीमारी आ गई वहाँ पे। बेसिकली ये एक माइनर है, माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट है, जो नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन आलू की फसल को बर्बाद कर देता। अगर बीज में वो आ जाए तो दूसरे इलाकों में ये समस्या फैल जाती है, तो वहाँ पे बीज उत्पादन बंद हो गया। तो अब हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तकनीक का उपयोग करके नेमेटोड से पूर्ण रूप से निजात पाई जा सकती है। दूसरा एक था बीमारियों का, कई तरह की जो मिट्टी से बीमारियां आती हैं वो भी इसमें नहीं आएंगी। तो ये दो मुख्य रूप से फायदे होंगे, एक तो सोइल बोर्न डिजीज और एक नेमेटोड, इसमें किसी तरह की बीमारी नहीं आ पाएगी। उत्पादन कितना होगा प्रति एकड़ अगर बात की जाए? देखिए, ज़मींदार के हिसाब से अगर बात करें उत्पादन की, तो वो राशन का उत्पादन करता है, तो अच्छी गुणवत्ता के बीज से अगर शुरुआत करें तो 15 से लेकर 40% तक किसान का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाता है, अगर वो सर्टिफाइड बीज का उत्पादन लगाता है तो। और अगर बीज के उत्पादन की बात करें तो जैसे मैंने बताया 12 गुना तक उत्पादन बढ़ जाएगा, जो हम ग्रीन हाउस में ट्रेडिशनल वे से ले रहे थे। इसके बीच में सोयलेस टेक्नोलॉजी भी आई थी, जिससे भी ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल से दुगना हो गया था। तो इससे सोयलेस की बात करें, हाइड्रोपोनिक कह लीजिए, तो 6 गुना बढ़ जाएगा, और ट्रेडिशनल से 12 गुना तक। हम कह सकते हैं कि जो हमारी परंपरागत बीज उत्पादन की तकनीक है उससे 12 गुना तक पैदावार इसकी बढ़ जाएगी। ये अच्छी तकनीक है। हाँ, मुझे लगता है कि ये तकनीक है, अगर आज हम इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे छूट जाएंगे, प्राइवेट कंपनी आएंगी, फिर ज़मींदार के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सरकार की एक अच्छी पहल है, तो मेरे ख्याल से ज़मींदारों के लिए एक अच्छी पहल है, खासकर हरियाणा के नहीं बल्कि दूसरे ज़मींदारों के लिए भी एक अच्छी पहल रहेगी और अच्छा उनको प्रॉफिट मिलेगा। जी सर, ये क्या आलू की तकनीक है जो हवा में पानी में? देखिए, ये एक ऐसी तकनीक है, एरोपोनिक हम इस तकनीक का नाम है। इसमें बिल्कुल कोई भी बीमारी बीज में नहीं आती, इस अगर इस विधि द्वारा हम बीज तैयार करते हैं, क्योंकि निमेटेड एक ऐसी आलू में आ चुकी है, और उससे आलू का बीज जहाँ भी उत्पादन करते थे हम, कई सेंटर थे हमारे जैसे कुफरी में है, वो उसी कारण बंद करना पड़ा। और एरोपोनिक तकनीक से एक तो विषाणु रहित बीज हम पैदा कर सकते हैं, उसमें जो जितने भी हमारे सोइल बोर्न डिजीज है वो नहीं आती। दूसरा, इसमें हम ज़्यादा बीज तैयार कर सकते हैं, इसमें हम एक पौधे से तकरीबन 60 ट्यूबर्स ले सकते हैं, जबकि जो आमतौर पर ट्रेडिशनल पौधा है उससे केवल हम 5 ट्यूबर्स ही ले पाते हैं। तो 12 गुना बीज इससे हम ज़्यादा तैयार कर पाते हैं, और वो भी उच्च गुणवत्ता वाला बीज। किसान कितने के मोटिवेट होंगे तकनीक के साथ? देखिए, इस तकनीक से किसान बहुत ही मोटिवेट होंगे, क्योंकि आलू में सबसे बड़ी जो समस्या है वो उच्च गुणवत्ता बीज की है, जो हमारे पास आज के दिन केवल 6,000 एकड़ ही ऐसे हैं जहां पर हम आलू का बीज उत्पादन करते हैं, 600 एकड़, और किंतु हमें बहुत इसके बीज के लिए चाहिए। और जब किसान देखेंगे बिल्कुल उच्च गुणवत्ता वाला बीज इस विधि द्वारा तैयार होता है, और वो भी जल्दी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो उससे काफ़ी प्रस्तावित होंगे। और उसमें आलू की, क्योंकि जब भी बीज की गुणवत्ता होती है तो उसकी पैदावार फसल की बढ़ती है। ये कब तक फसल लगाने का टाइम होगा? देखिए, इस फसल का समय अब तकरीबन अब लग चुका है, या अभी थोड़ा बहुत हम 10-15 दिन तक और लगा सकते हैं बीज वाली फसल को। और हमारा कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला आलू का बीज उत्पन्न किया जाए, और इसके लिए जो पोटैटो
टेक्नोलॉजी सेंटर श्यामगढ़ में है, वहाँ पर पहले से ये एक प्रोजेक्ट चला हुआ है RKVY के अंदर, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उन्होंने 9,000 पौधे इसमें लगाए हैं और वो तकरीबन 20 लाख ट्यूबर पैदा करेंगे और किसानों को उपलब्ध कराएंगे, तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये बीज कब तक किसानों तक मुहैया होगा? ये बीज हमारा तकरीबन फरवरी तक उपलब्ध हो जाएगा, फरवरी मार्च तक के एंड तक, और किसान इसमें यहाँ से बीज ले सकते हैं। केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, केंद्र सरकार का भी इसमें है, क्या सिस्टम है? अब केंद्र सरकार से एक प्रोजेक्ट है RKVY के तहत, वो 4 करोड़ के राशि का प्रोजेक्ट पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर जो श्यामगढ़ में है, जो बागवानी विभाग है हरियाणा का, वो उनको दिया गया है और वो इस पर काम कर रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी भी इस तरह की जो भी नई तकनीक है उन पर जल्दी काम शुरू करने जा रही है। ये अच्छी तकनीक है, ये बहुत ही बढ़िया तकनीक। पैदावार कितनी बढ़ेगी किसानों की? जो इससे अगर हम उच्च गुणवत्ता वाला बीज किसानों को आलू का देते हैं तो 15-20% उनकी पैदावार बढ़ सकती है।